हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो रेसलमेनिया 38 में कॉडी रोड्स रिटर्न आ गए और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने नो होल्ड्स बार्ड मैच में फाइट किया है केविन ओवेंस के साथ और शार्लेट फ्लेयर ने पिनफॉल करवा लिया रोंडा रोजी का। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो रेसलमेनिया 38 के नाइट वन का फर्स्ट मैच फैंस को देखने मिला स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए शिंसुके नाकामुरा और रिक वर्सेस द उसोस, और इस मैच में रिक इंजर्ड हो गए थे और इसलिए इस मैच को जल्दी खत्म करना पड़ा और इस मैच के आखिर में शिंसुके का पिनफॉल करवाकर द उसोस ये मैच जीत गए। और माइकल कोल ने आगे के शो में ये बताया कि रिक इंजर्ड हो गए और उनके नी में सर्जरी करवानी पड़ेगी और इसलिए वो कुछ टाइम ऑफ लेंगे WWE से। और फिर इसके बाद ड्रू मैकइंटायर वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन का मैच फैंस को देखने मिला और इस मैच में ड्रू ने इतिहास बना दिया क्योंकि वो पहले WWE सुपरस्टार हैं जिन्होंने कॉर्बिन के फिनिशर एंड ऑफ डेज से किक आउट कर दिया। और फैंस ने भी इस मोमेंट को देखने के बाद ड्रू को बहुत चीयर किया था और फिर ड्रू ने आखिर में क्लेमोर किक लगाकर ये मैच जीत लिया है। और मैच के बाद जब मैडकैप मॉस रिंग में आ रहे थे तब ड्रू ने उनकी शॉट चला दी और मॉस बाल बाल बचे लेकिन रोप कट गई ड्रू के शॉट से। तो ड्रू ने हैप्पी कॉर्बिन का अनडिफीटेड स्ट्रीक खत्म कर दिया है रेसलमेनिया 38 में। तो इसके बाद रेसलमेनिया का अगला मैच था रे और डोमिनिक मिस्टेरियो का द मिज और लोगन पॉल के साथ, और लोगन ने दुनिया का सबसे महंगा पोकेमोन कार्ड पहनकर एंट्रेंस किया था इस मैच में। और लोगन ने जो पोकेमोन कार्ड पहना था उसकी प्राइस लगभग $1 million है और ये कार्ड पिकाचू का PSA ग्रेडेड पोकेमोन कार्ड था। और इस मैच के आखिर में जब मिस्टीरियोस ने 6619 लगा दिया लोगन को तो उन्हें द मिज ने बचा लिया और मिज ने रे को स्कल क्रशिंग फिनाले देकर उनकी टीम को ये मैच जिता दिया है। लेकिन मैच के बाद द मिज ने उल्टा अपने टैग टीम पार्टनर पे अटैक करते हुए लोगन को भी स्कल क्रशिंग फिनाले दे दिया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर इन दोनों का मैच फैंस को देखने मिल सकता है। और फिर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच हुआ बियांका ब्लेयर और बेकी लिंच के बीच में, और बियांका को शुरुआत में मैन हैंडल स्लैम देकर बेकी ने समर स्लैम की तरह उन्हें स्क्वॉश करना चाहा लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मैच के आखिर में बियांका ने बेकी को KOD दिया और बेकी का पिनफॉल करवाने के बाद बियांका ब्लेयर नई रॉ वुमेन्स चैंपियन बन गई है। और फिर सेथ रॉलिंग्स रिंग में आए और वो उनके अपोनेंट का वेट कर रहे थे, और जैसा हम सबको पता ही था कि कॉडी रोड्स रिटर्न आने वाले हैं और कॉडी के रिटर्न आने के बाद फैंस ने उन्हें बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया और इस पूरे मैच में फैंस ने उनका पूरा सपोर्ट दिखाया कॉडी रोड्स को। और मैच के आखिर में सेथ ने कॉडी कटर से किक आउट कर दिया और कॉडी ने पेडिग्री से किक आउट करने के बाद उनका फिनिशर क्रॉस रोड्स दो बार लगातार दिया सेथ को, और फिर कॉडी ने उनके डैड डस्टी रोड्स की तरह पंचेस और बायोनिक एल्बो भी मारे सेथ रॉलिंग्स को। और फिर तीसरा और फाइनल क्रॉस रोड्स देने के बाद कॉडी रोड्स ये मैच जीत गए और सेथ रॉलिंग्स ये लगातार तीसरा रेसलमेनिया मैच हार रहे हैं। और इसके बाद इस साल के हॉल ऑफ फेम इंडक्टीज आए द स्टाइनर ब्रदर्स, वेडर की फैमिली, क्वीन शार्मेल, शैड गैस्पर्ट की फैमिली, और फिर दी अंडरटेकर ने उनके स्टाइल में एंट्रेंस किया रेसलमेनिया में और फैंस ने अंडरटेकर को थैंक यू भी बोला। और फिर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच हुआ रोंडा रोजी वर्सेस शार्लेट फेयर, और इस मैच में जब रोंडा ने एंकल लॉक सबमिशन दिया तो उसके तुरंत बाद शार्लेट ने भी रोंडा को एंकल लॉक सबमिशन दे दिया, और जब रोंडा ने सेकंड टाइम एंकल लॉक सबमिशन दिया तब भी शार्लेट ने टैप आउट नहीं किया। पर रोंडा ने इस मैच में इतिहास बना दिया है क्योंकि वो पहली ऐसी फीमेल सुपरस्टार हैं जो कि शार्लेट की फिगर 8 सबमिशन से बचकर बाहर आईं। और मैच के आखिर में शार्लेट ने रेफरी को स्पीयर देकर गिरा दिया था, और जब रोंडा ने उनका सबमिशन दिया तो शार्लेट ने टैप आउट कर दिया पर रेफरी ने नहीं देखा था, और रेफरी को उठाने के चक्कर में रोंडा रोजी को शार्लेट ने बिग बूट लगाया और उनका पिनफॉल करवा के शार्लेट ने उनकी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। और आज रेसलमेनिया के मेन इवेंट में द केओ शो में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रिटर्न आ गए और केविन ओवेंस ने फिर से ना सिर्फ स्टोन कोल्ड और टेक्सिस की इंसल्ट की बल्कि इस बार केविन ओवेंस ने चैलेंज कर दिया स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को नो होल्ड्स बार्ड मैच के लिए, और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने केओ का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और इस मैच में स्टोन कोल्ड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और फैंस भी चैंट करने लगे कि यू स्टिल गॉट इट। और इस मैच में केविन ओवेंस पर टेबल भी तोड़ दिया था स्टोन कोल्ड ने, और जब मैच के आखिरी मोमेंट्स में केओ ने स्टनर लगा दिया स्टोन कोल्ड को तो स्टोन कोल्ड ने किक आउट कर दिया, लेकिन जब स्टोन कोल्ड ने स्टनर लगाया तो केविन ओवेंस किक आउट नहीं कर पाए और ये मैच स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जीत गए। और मैच खत्म होने के बाद भी स्टोन कोल्ड ने एक और स्टनर लगाया केविन ओवेंस को, और केविन ओवेंस को टेक्सास की पुलिस रेसलमेनिया के अरीना से ले गई। और जब स्टोन कोल्ड BRP के सेलिब्रेट कर रहे थे तो उन्होंने बैरन सेक्सटन को भी इनवाइट किया रिंग के अंदर, और स्टोन कोल्ड ने उनके स्टाइल में बैरन को भी स्टनर लगा दिया, और आज का शो ऐसे खत्म हुआ है और अब कल का रेसलमेनिया बच गया है। तो चलिए देखते हैं कि कल WWE रेसलमेनिया में क्या क्या धमाल मचाते हैं, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।